प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गुजरात में लगभग 11,23,000 बहनों को ये लाभ पहुंचा। आप सब जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से बेटियां सशक्त हों, इस ध्येय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सुकन्या समृद्धि स्कीम की शुरुआत हुई। राष्ट्र में लगभग 1 करोड़ लोगों ने अलग अलग अकाउंट्स खोले और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया गया। महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसीलिए सबसे बड़ी दरकार यह है कि महिला शिक्षा से जुड़े। भाजपा सरकार ने प्रदेश में बेटियों को, जो गरीब तबके से हैं, उनको कक्षा 9 से लेकर 12 तक सरकारी और ग्रांटेड एड स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने से सामाजिक एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। बेटियां डॉक्टर्स बने, उस दृष्टि से परिवारों को सहयोग करने के लिए ट्यूशन फीस में फीमेल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 100% छूट दी गई। आईटीआई में बहनें जुड़े, उसके लिए गुजरात की भाजपा सरकार ने आईटीआई में विशेष बहनों की ट्यूशन फी में छूट दी और 25% बहनों को आईटीआई में जगह मिले ताकि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, इसके लिए विशेष प्रावधान 25% का किया गया।